ग्वालियर के बिजोली थाना के अंतर्गत एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। शादी में जाने के लिए सड़क किनारे बस के इंतजार में खड़े एक ही परिवार के 5 लोगों को तेज गति से आई एक बोलेरो जीप ने रौंद दिया, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों में पति पत्नी और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मुरैना निवासी पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ बिजोली में शादी समारोह में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुँचे थे। वहीं इस मामले में पुलिस और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एम्बुलेंस की व्यवस्था न होने के कारण इन 5 मृतकों के शवों को एक ऑटो में भरकर पीएम हाउस तक लाया गया। दरअसल ग्वालियर जिले के बिजोली थाना इलाके के खुरई के पास हाईवे पर अपने घर मुरैना जाने के लिए यह परिवार वाहन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान जब बच्चों से धूप में खड़ा नहीं रहा गया तो पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ वहीं सड़क किनारे बैठ गए। इसी बीच एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में परिवार के 5 सदस्यों की मौके पर मृत्यु हो गई। इस हादसे में पप्पू जाटव उम्र 50 वर्ष, राजा बेटी उम्र 35 वर्ष, रेशमा उम्र 10 वर्ष और पूनम उम्र 5 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन लंबे इंतजार के बाद जब वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो पुलिसकर्मी द्वारा अमानवीय चेहरा सामने आया है और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है। जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने मृतकों के शवों को ऑटो में एक के ऊपर एक भरकर पीएम हाउस तक ले आए। मृतकों के परिजनों ने बताया कि केवल शादी समारोह में शामिल होने के लिए ग्वालियर आए हुए थे और वह वापस अपने घर मुरैना जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। टीम भारती न्यूज। हाँ, सिरौली से आ रहे थे, सिरौली गांव से पैदल आए थे और सिरौली गांव से यहाँ रूड़क पे आए गए और आए के साधन के लिए रूड़क पे बगलम बैठे कि चलो साधन आ जाओ, तब हम बैठ गए ग्वालियर में आ जाएंगे। हैं ग्वालियर बैठे गए और बस दोनों मतलब बीते एक बुलूरू चली आई तो बैठने में ही दे गई। 6-7 लोग गए, 5 तो बैगी बैंक खत्म हो गई है। क्या नाम है जो मृतक है, उनका क्या नाम है? मृतक को एक राजा बेटी है और दूसरी राजा बेटी अलग है, वो उत्तमपुरा की है और जी राजा बेटी बाकी डोंगरपुर किरा रखी है और डोंगरपुर किरा रखे रहते हम और मैं महेंद्र हूँ। हाँ, मेरी मिसेज है राजा बेटी और मेरी लड़की है दोनों, एक पूनम है एक रेशमा है और राजा बेटी मेरी मिसेज है। हाँ, सिरौली गए थे, हम डोंगरपुर किरार के रहने वाले। कौन सा है? चाचा जी है हमारे, चाचा जी। क्या नाम है उनका? पप्पू। अच्छा, क्या किरार समाज से आप? नहीं, जाटव समाज। आपका नाम? महेंद्र, डोंगरपुर किरार के। आज ये बिजोली थाने के पास एक सिरौली गांव है, ये माता डोंगरपुर किरार थाना माता बसैया के लोग रहने वाले थे। यहाँ किसी लगन फल्लान में आए थे कल, तो आज सवेरे वो जा रहे होंगे अपने गांव के लिए, तो विक्रांत कॉलेज के पास किसी बस का इंतज़ार कर रहे होंगे जाने के लिए, तो उसी समय बेरजा की तरफ से कोई कार आई, इनमें टक्कर दे के चली गई, जिसमें 5 लोग इस स्पॉट पर ही खत्म हो गए। बुलेरो ही हो सकती है, अभी मेरे को तो पक्का कन्फर्म नहीं है, जो लोग बता रहे हैं उस हिसाब से तो बुलेरो अभी कन्फर्म अपने को नहीं है। अभी पकड़ी भी नहीं गई? अभी नहीं पकड़ी गई। ये कौन है मरने वाले? इनके नाम? मरने वाले ये सब जाटव लोग हैं और ये 5 लोग हैं, इसमें एक पप्पू जाटव है, इनकी उम्र करीब 50 साल है और राजा बेटी 35 साल, 2 छोटी बच्ची हैं, एक रेशमा है जिसकी उम्र 10 साल है करीब बताइए, एक पूनम है इसकी 5-6 साल है करीब बताइए, एक और राजा बेटी है महिला जो 50 साल की है। ये घटना स्थल पर ही खत्म हो गई। फिलहाल क्या उनको लेके आए? हाँ, फिलहाल तो अब उन लोग इनका यहाँ पीएम कराएंगे, उसके बाद आगे जो जांच चलेगी उसमें जैसा पता चलेगा वैसा बताया जाएगा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।